क्या सोचे थे? हाँ वाजिद भाई, चश्मा वश्मा लगा के, टाई शाई लगा के, एक बहुत बड़ा सा ऑफिस होगा, ठीक है, कहेंगे कि हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करें, हम आपको अमेजोन सिखाएंगे, या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हम आपको अमेजोन सिखाएंगे। भाई मेरे पास कोई ऑफिस नहीं है, मेरा ऑफिस एक लैपटॉप है, एक मोबाइल है और मैं उसी से काम करता हूँ, ठीक है। आज का हमारा वीडियो ये है कि मैं आपको यूएई में बैठ के मैनुअली प्रोडक्ट रिसर्च करना सिखाऊंगा। स्क्रीन शेयर करूंगा मैं आपके साथ और आपको बताऊंगा आप कैसे उस प्रोडक्ट को रिसर्च कर सकते हैं, कैटेगरी को रिसर्च कर सकते हैं और उसे सोर्स कहाँ से कर सकते हैं। यूएई में बहुत ईजी है मैनुअल रिसर्च करना, अदरवाइज उसके लिए टूल भी चाहिए होता है। टूल है ईलियम 10, ठीक है, उसका $50 to $70 आप पे कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो आप मैनुअल रिसर्च करें। मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा आप सबके साथ ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। तो गाइज आप सब देख सकते हैं कि आप मेरे इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद हैं। ये मेरा डैशबोर्ड है, आप जब अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको कुछ ऐसा ही डैशबोर्ड मिलेगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँ यहाँ पे एक विजिट सैलर यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप क्या करते हैं, आप टिकटॉक पे या यूट्यूब पे जाके सर्च करते हैं कि मैं प्रोडक्ट कैसे लिस्ट करूँ, या शिपमेंट जो है ना FBA में कैसे भेजूँ, या इन्वेंट्री कैसे मैनेज करूँ, तो वो ये सब आपको यहाँ मिलेगा। YouTube में आपको देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि अकाउंट क्रिएट करने के बाद Amazon की अपनी यूनिवर्सिटी है जिसके लिए आपको सारी वीडियोस यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक पे। ठीक है, मेन टॉपिक हमारा ये है कि हम प्रोडक्ट कैसे रिसर्च करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो तरीके होते हैं, एक तो होता है ब्रांड और एक होता है लोकल प्रोडक्ट्स। लोकल प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि आप कुछ भी सेल कर सकते हैं जो ब्रांड ना हो, जिसका कोई कंपनी ना हो, ठीक है। और ब्रांड में क्या होता है, ब्रांड में आपको चाहिए होता है लाइसेंस। सपोज आपने अगर कोलगेट बेचना है या निविया बेचना है या कुछ भी बेचना है, ठीक है, हम सर्च करते हैं निविया। निविया में क्या होता है कि आप देखते हैं यहां पे, जैसे आपने ये देखा इस प्रोडक्ट के नीचे ये लिखा हुआ है, ये सिंपल आपने रिसर्च करना है कि 600 पीसेस पिछले मंथ इस आइटम के सेल हो चुके हैं। इसी के बराबर में आप देखेंगे कि इसके 200 पीस सेल हो चुके हैं, इसके 100 पीस सेल हो चुके हैं। अमूमन ऐसा होता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स में नहीं दिखता, जैसे इसमें नहीं दिख रहा लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट्स में दिखता है। आप उसकी रेटिंग चेक करेंगे, ठीक है, पिछले मंथ कितनी पीसेस वो सेल कर चुका है। जैसे आप ये देखें, ये 1000 पीसेस बेच चुका है, ठीक है, तो ये 600 है, ये 900 है, ये 800 है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने नॉर्मली रिसर्च करना है क्योंकि टूल सिर्फ हीलियम 10 काम करता है यूएई में। कुछ लोग कहते हैं कि यार हम टूल को पे नहीं कर सकते, ट्रस्ट नहीं होता, ये चीज़ें नहीं होती, तो आप इस तरह नॉर्मल रिसर्च कर सकते हैं। मैं इसी तरह करता हूँ, मैंने अभी तक टूल यूज़ नहीं किया। मैं इसी तरह रिसर्च करता हूँ, इसी तरह प्रोडक्ट सर्च करता हूँ, फिर मार्केट में जाके मैं ढूंढता हूँ कि ये मुझे कितने प्राइस में मिलेगा, मैं अपनी कैलकुलेशन निकालता हूँ, ठीक है। आप अमेजोन से पूछते हैं कि आप इस कैटेगरी के प्रोडक्ट में कितना परसेंट चार्ज करते हैं, डिलीवरी फीसिस क्या होती हैं, सारी आप कैलकुलेशन निकाल के और आपको मार्केट से ये प्रोडक्ट कितने का मिल रहा है, आप एक कैलकुलेशन करते हैं, आप देखते हैं कि आपको प्रॉफिट है 5 दिरहम, 10 दिरहम, 15 दिरहम, या आप छोटे से स्टार्ट करना चाहते हैं तो छोटे से स्टार्ट करें, 2 दिरहम 3 दिरहम के प्रॉफिट के साथ। एटलीस्ट एक इनिशिएट लें, एक स्टेप लें आप अपना स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे तो आपको काम करने में मज़ा नहीं आएगा। दूसरी चीज़, आपने जब ये देखते हैं कि 1000 पीसेस सेल हो चुके हैं तो इसके ऊपर आप इसकी रेटिंग भी देख सकते हैं कि 4.5 है, 1336 इसकी पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये तरीका होता है। फिर आप क्या करते हैं, आपके पास ब्रांड सेल करने के लिए लाइसेंस होना चाहिए। इंडिविजुअल अकाउंट पे आप नहीं कर सकते क्योंकि बहुत रिस्की काम होता है। आप क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट को बाय करने जाते हैं, वो आपसे लाइसेंस मांगते हैं, लाइसेंस के साथ वो आपको एक टैक्स इनवॉइस देंगे। टैक्स इनवॉइस क्यों देंगे, जैसे सपोज मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ, ये ब्रांड है निविया, इसे खुद बेच रहा है, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं निविया खुद बेच रहा है इसे, ठीक है। इसे लिस्ट करने के दो तरीके हैं, एक ऑटोमेटिक लिस्टिंग होती है, यहाँ पे ये कोड आप देख रहे हैं इस स्लैश से लेकर इस स्लैश तक, इसे आप कॉपी करेंगे, अमेजोन में जाएंगे सेलर सेंटर में, कैटलॉग, कैटलॉग से ऐड अ प्रोडक्ट, यहाँ आपने उस कोड को पेस्ट करना है। उस कोड को पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन आएगा अप्लाई टू सेल।
अप्लाई टू सेल का मतलब यही होगा कि जो आपको टैक्स इनवाइस मिला हुआ होगा, आप उस टैक्स इनवाइस को यहाँ अप्लाई टू सेल करने को क्लिक करने के बाद वो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे। जब डिस्ट्रीब्यूटर से कंफर्म हो जाएगा कि ये सेलर है, इसने मेरे से माल खरीदा है, तो अमेज़न आपको अप्रूव कर देगा। ज़रूरी नहीं है कि आप 100 पीस 200 पीस स्टार्टिंग में लें, पहले आप दर्जन लें, 12 पीसेस या 24 पीसेस लें, ट्राई करें, अमेज़न एक्सेप्ट करता है उसके टैक्स इनवाइस को, तो बूम, आपने 200 300 400 500 जितनी भी क्वांटिटी सेल करनी है आप जाके खरीदें और टैक्स इनवाइस अपलोड करें, आपने बेचना शुरू कर दिया। ठीक है, एक ये तरीका होता है ब्रांड का। अब लोकल प्रोडक्ट में हम सर्च करते हैं डांसिंग कैक्टस टॉय। ये एक लोकल प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी लोकल प्रोडक्ट्स हैं जिस तरह आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इनका कोई ब्रांड नहीं है। तो इनके नीचे भी आपको यही मिलेगा, ठीक है। जैसे ये सबसे टॉप पे ये बेस्टसेलर में आ रहा है, इसके 50 पीसेस सेल हो चुके हैं, इसके भी 50 पीसेस सेल हो चुके हैं। मतलब ये भी वो आइटम है जिसके हजारों पीस सेल होते हैं मंथली। अब 100 एक के हो रहे हैं, 50 एक के हो रहे हैं, 10 एक के हो रहे हैं, 200 एक के हो रहे हैं, इसी तरह महीने के 1000-2000 पीसेस सेल होते हैं। तो आप भी कर सकते हैं इन पीसेस को सेल, इनको भी ऐड करने का यही तरीका है, ठीक है। क्या करना है, गए यहाँ से, कॉपी किया, पेस्ट किया, वहाँ पे अपनी प्राइसिंग लगाई, सारी चीज़ें कर ली। लेकिन एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि अगर कोई सेलर है, अब देखिए इनका भी एक नाम है स्टफ्ड एनिमल, ठीक है, ये ब्रांड है जेनेरिक। अब ये ब्रांड जेनेरिक है, इसको आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कितने सेलर्स हैं, कौन कितने प्राइस में, सबसे कम प्राइस में बेच रहा है, कब से सबसे ज़्यादा प्राइस में कौन बेच रहा है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है, आपने कैलकुलेशन करनी है, फिर जाके आपने इस प्रोडक्ट को सोर्स करना है डेरा में आके, मुर्शिद बाज़ार के नाम से। यहाँ एक बहुत बड़ा बाज़ार मौजूद है दुबई में, पहली टिकट पकड़ें बस की, ट्रेन की या टैक्सी की, और इस प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए आप डेरा में पहुँच जाएं। डेरा में ये बहुत बड़ी बाज़ार है, ग्वादरी बाज़ार भी कहते हैं, मुर्शिद बाज़ार भी कहते हैं, गोल सूख के आसपास बहुत बड़ी बाज़ार है ये, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट को आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। चलो मैं आपको एक छोटी सी गाइडनेस और दे देता हूँ, इस प्रोडक्ट को अगर आपने ढूंढना है तो डेरा में आके सबसे पहले ईरानी बाज़ार में जाना है, ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। ये बातें कोई नहीं बताता मेरी दोस्त, ये बातें कोई नहीं बताता, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं झूठा काम नहीं करना चाहता, ठीक है। तो इसके अलावा मज़ीद आपने अगर कुछ पूछना है, कोई सवाल है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और किसी हवाले से अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, सवाल ज़रूर कीजिएगा, सवाल करेंगे तो सीखेंगे वरना नहीं सीखेंगे। ज़्यादा जाते नहीं करो यार सब्सक्राइब, नहीं चाहिए सब्सक्रिप्शन। अल्लाह हाफिज़।